इन्वेस्टमेंट एकेडमी, मैं हूं आस्था और आज आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस गणेश चतुर्थी की हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कूपन कोड जिसका नाम है मोदक, जिसमें आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे और उसके साथ ही आपको मिलेगा एक ई लर्निंग कोर्स भी। तो यानी कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत होने वाली है बहुत ही एक अच्छे शुभारंभ से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये सारी चीज़ों को जल्दी चेक अपॉन करें। एंड आज के हमारे वंडरफुल वेडनेसडेज की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एक इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम है HDFC लाइफ, एंड ये डिस्कशन हम करेंगे गौरव सर के साथ। तो सबसे पहले हम सर ये समझते हैं कि इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो बाकी कंपनीज के साथ डिफरेंट क्यों है एंड उसको एक डिफरेंट लेंस के साथ क्यों देखना पड़ता है। इंश्योरेंस जो सेक्टर है ना, ये बहुत ही डिफरेंट तरह से वर्क करता है, राइट? बिकॉज ये अगर आप देखोगे तो हाउ डू दे अर्न मनी, राइट? दे अर्न मनी ऑन द प्रीमियम्स, जो हम उनका कैलकुलेशन कैसे रहता है कि भाई आपको लाइफ कवर देना है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे दे अर्न मनी, कंटिंजेंसी बेस, राइट? पूरा गेम जो है प्रोबेबिलिटी का है कि भाई ठीक है, मैंने लाइफ कवर दिया और इतना परसेंटेज रेट है कि उनको क्लेम आएगा, और उसके बेसिस पे दे कम्प्लीटली प्लान देयर प्रीमियम्स ऑल्सो कि कितना प्रीमियम मेरे को लेना है, राइट? और उसके बेसिस पे कॉम्पिटिशन भी प्रीमियम प्लान करता है, और फिर सारी चीजें चलती है, राइट? तो ये पूरा जो बिजनेस है ये एक कमीशन बेस्ड बिजनेस तरह से आप बोल सकते हो, राइट? और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे है। तो कैश फ्लो का बिजनेस है कि आपका मैक्सिमम आपका पैसा पहले आ जाता है, ओके, और आपको क्लेम देना है मान लो 10 ईयर्स के बाद, 20 ईयर्स के रियलाइजेशन बाद में, राइट? तो वो पैसा जो आपके पास है अभी जो आया है पहले, अब वो पैसा आपको कमा के देगा जब तक आपको उसको वापस नहीं देना, right? So you need to earn more than what you need to give back. Okay. Right. So that's the whole game about it. अब इसीलिए बहुत ही अलग तरह से ये business analyze होता है. Okay. Right. I'm sure that जो लोग फॉलो करते हैं इस इंडस्ट्री को, तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो काफी सारे यहाँ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो बहुत सारे टर्म्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने पड़ते हैं और बहुत सारा अलग तरह से एनालाइज होता है ये पूरा। ओके, बिकॉज इसमें मेन प्रोडक्ट ही आई बिलीव मनी कमिंग इन एंड मनी गोइंग आउट है, वही प्रोडक्ट है, तो वही उसको अलग बनाता है। बिल्कुल। ओके, सो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आता है एसेट अंडर मैनेजमेंट से, बिकॉज जब हम बाकी कंपनीज डिस्कस करते हैं मार्केट कैप की बात करते हैं कि कंपनीज कितनी बड़ी हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज AUM, राइट? तो HDFC लाइफ का जो AUM है, बिकॉज हमारे पास सबसे बड़ी कंपनी LIC है, right. लेकिन क्या उसके बाद HDFC लाइफ इतना अच्छे AUM पे है कि उसकी ग्रोथ में वो आगे हेल्प करे? ऑफ कोर्स, आई थिंक HDFC लाइफ जो है प्राइवेट इंश्योरेंस में ऑलमोस्ट नंबर 2, नंबर 3, SBI लाइफ और HDFC लाइफ काफी क्लोज चलते रहते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी वेरी बिग कंपनी, नो डाउट इन इट, बट LIC हैज अ वेरी बिग स्केल और ऑब्वियसली हैज अ मच बिगर लेगेसी आल्सो, राइट? तो कंपैरिजन जब हम HDFC लाइफ का करते हैं तो मोस्टली प्राइवेट इंश्योरर्स के साथ ही करते हैं, LIC के साथ मोस्टली लोग नहीं करते, बिकॉज एज अ सेड वो उनके अलग मतलब मोड्स हैं और अलग इश्यूज भी हैं बिकॉज ऑफ बीइंग अ PSU, राइट? बट एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑब्वियसली ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसका मतलब ये है कि जितने भी इनके प्रीमियम्स इनको आए हुए हैं, इकट्ठे करे हुए हैं इन्होंने, वो इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसा, स्टॉक मार्केट में भी करते हैं ये इन्वेस्टमेंट, तो वो पूरा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है, मतलब वहां पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं कि ये पैसा हमारे पास पहले आ रहा है जैसे मैंने बोला, उसको इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि आप ज्यादा पैसा कमा सको, then what you have to give it back to the clients, right? अब अगर आपने 7% रिटर्न आपको देना है सपोज ऑन योर मनी बैक पॉलिसीज, तो you need to earn 8%. Of course. Then only you to have that margin. To have that margin, right? तो तभी आप उसको 7% दे पाओगे और आप profit भी कमा पाओगे. तो मतलब something like that, right? तो इसीलिए वो उस हिसाब से चलता है. तो इनका almost 2 लाख करोड़ का asset under management है, which is obviously a very very good and big book, which they have, right? तो and it is growing very well. I think consistently उसका growth consistent. But sir, ये recent quarter में हल्का सा company को dip देखने को मिला. तो वो बेसिकली सी मार्केट ड्रिवन भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट उनका मेरे ख्याल से 37% जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टेड है, ओके, राइट? तो ऑफ कोर्स सिंस वो 37% वहां पर इन्वेस्टेड है, तो मार्केट ड्रिवन भी होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। मार्केट गिरे लास्ट क्वार्टर में, जून को कैलकुलेशन हुआ तो मार्केट्स वर डाउन, ठीक है ना? तो उसकी वजह से उनका वो एसेट अंडर मैनेजमेंट गिर गया, ठीक है? तो वो इवन दो नए बिजनेस प्रीमियम आया होगा, बट ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट उनका गिरा है, बट दैट हैपेंस, तो मार्केट ड्रिवन रहता है, तो नथिंग टू वरी एज सच। बट फॉर लाइक अ प्राइवेट प्लेयर, जो भी HDFC का AUM है, HDFC लाइफ का, दैट इज वेल पोजीशन, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो सर हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, वो होता है एम्बेडेड वैल्यू, तो वो एम्बेडेड वैल्यू एक्चुअली क्या है?
सो एम्बेडेड वैल्यू एक मतलब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. इट्स लाइक एंटरप्राइज वैल्यू फॉर नॉर्मल कंपनीज, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का एंटरप्राइज वैल्यू रखते हैं. इस तरह का ये बेसिकली एम्बेडेड वैल्यू रहता है, ठीक है ना. तो ये करंट कैपिटल और आपका फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर जो प्रॉफिट आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू. करंट आपके रिजर्व्स, आपका करंट कैपिटल और फ्यूचर में जो पैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम आ चुका, पैसा दूर फ्यूचर में आएगा उसका. एग्जैक्टली राइट. तो वो जो पैसा वो मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एक एम्बेडेड वैल्यू कंपनी की निकलती है. राइट, ठीक है. तो ऑब्वियसली इट इज एज अ परसेंटेज ऑफ, आप ये मान सकते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट. तो जैसे अभी एचडीएफसी लाइफ का हमने जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट डिस्कस किया ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़, उसमें से उनकी एम्बेडेड वैल्यू अराउंड 29,000 करोड़ की है. ओके, ठीक है. तो वो उनकी एम्बेडेड मतलब एक एंटरप्राइज वैल्यू है वो उस कंपनी की, जैसे मान सकते हो आप समथिंग लाइक दैट यू कैन से. राइट, तो उनकी ओवरऑल कंपनी की वैल्यू जो है वो एम्बेडेड वैल्यू. तो यहाँ पर इंश्योरेंस में एंटरप्राइज वैल्यू नहीं कैलकुलेट, ईवी मतलब embedded value in insurance. So always remember this, EV in insurance is embedded value and not enterprise value. Okay, so jo embedded value 19% CAGR se grow kar rahi hai, is it like a decent number? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब ग्रोथ यही है ना आपका कि आप कंसिस्टेंटली कितना जैसे जैसे आप प्रीमियम्स राइट करते रहोगे, ठीक है ना, तो आपका करंट कैपिटल भी इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, और आपका फ्यूचर भी इंक्रीज, तो उसका भी नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है. राइट, तो एंटरप्राइज वैल्यू की तरह है, मतलब जितना आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे उतना आप रिटर्न कमाएंगे, तो उस हिसाब से. ओके, तो सर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, जब भी हमने पिछले टाइम में बैंकिंग एंड NBFCs को जब हम कवर कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे जो लोगों का डिपॉजिट है वही एक्चुअली कंपनी के लिए एक तरीके का इनकम बनता है. तो इंश्योरेंस के लिए कंपनी का इनकम मेकिंग जो सिस्टम है दैट इज थ्रू प्रीमियम्स. तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम का. हाँ. उससे हम क्या समझते हैं? तो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो है वो दो चीजों से मिलता है, क्योंकि इंश्योरेंस एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस की तरह है. राइट, कि आपका रिन्यूअल पे बेस भी बहुत ज्यादा होता है. तो आपने आज अगर इंश्योरेंस खरीदा तो आप नेक्स्ट ईयर उसको फिर से प्रीमियम पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर फिर प्रीमियम पे करेंगे, तो वो है रिन्यूअल प्रीमियम. ओके, राइट, आपने इंश्योरेंस अपना रिन्यू किया नेक्स्ट ईयर पे करके. राइट, और दूसरा होता है कि आपने नया बिजनेस आया, कि नए पर्सन ने जाके इंश्योरेंस खरीदा. ओके, तो वो हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है न्यू बिजनेस प्रीमियम प्लस रिन्यूअल प्रीमियम, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो वो ग्रॉस प्रीमियम. टोटल प्रीमियम मतलब जो कंपनी ने उस क्वार्टर में या उस साल में राइट किया या उनको मिला, ठीक है, जो टोटल मिला वो उनका ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है. एंड वो कंपनी के लिए तो वो अभी एचडीएफसी लाइफ का जो हमें दिख रहा है अराउंड 46,000 करोड़ रुपीज का उन्होंने लास्ट ईयर मतलब FY22 में रिटर्न, इनको इतना प्रीमियम आया. ओके, ऑफ कोर्स उनको वापस भी देना है, वो मतलब जैसे बिजनेस हम समझ रहे हैं तो वो वापस देना है, बट वो 46,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस उनको प्रीमियम आया है, मिला है उनको. ओके, ठीक है, उसमें नया भी है और रिन्यूअल भी है. ओके, तो सर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जैसे भी हमने बात करा न्यू बिजनेस प्रीमियम, ये कंपनी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है? बिकॉज रेकरिंग तो ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आपको किसी को लाना है वही आई गेस कंपनी के लिए जरूरी है. सबसे इम्पोर्टेंट इवन मार्केट शेयर कैलकुलेशन सब जो होती है वो न्यू बिजनेस प्रीमियम पे ही सबसे ज्यादा होती है, और ये काफी ज्यादा क्लोजली वॉच्ड, जो मतलब नेट प्रॉफिट की तरह मान सकते हो आप समथिंग लाइक दैट, कि हम जैसे पैट देखते हैं यहाँ पर एक न्यू बिजनेस प्रीमियम देखते हैं कि नया बिजनेस प्रीमियम कितना कंपनी ने लिया, मतलब नया बिजनेस कितना आया उस क्वार्टर में या उस साल. Okay. तो जो नया बिजनेस आता है आपका वो मतलब नए कस्टमर्स आपके पास आए, उसके बाद आपके ऊपर है, आपकी कंपनी के ऊपर है, तो वो आप नॉर्मल चलता ही है कि ठीक है वो रिन्यूअल. हाँ, रिन्यूअल आता ही है क्योंकि बिजनेस इस टाइप का रिन्यूअल होता ही है वो कुछ टाइम तक, और फिर कुछ टाइम के बाद दे विल गो आउट. ओके, राइट. तो नया बिजनेस जैसे जैसे ग्रो कर रहा है और उसके ऊपर मार्जिन्स एंड एवरीथिंग, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केट शेयर भी जो है वो कैलकुलेट नए बिजनेस प्रीमियम पे ही सबसे ज्यादा कैलकुलेशन होती है इंश्योरेंस कंपनीज की. तो जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो 19% का मार्केट शेयर है एचडीएफसी लाइफ का इन प्राइवेट प्लेयर्स गेटिंग न्यू बिजनेस टू द कंपनी. प्राइवेट प्लेयर्स, एलआईसी इंक्लूड नहीं है, एलआईसी के हिसाब से कम होगा, बट ऑफ कोर्स एलआईसी का होराइजन भी उतना ही बड़ा है. सर अभी जब हम न्यू बिजनेस की बात कर रहे थे तो ये न्यू बिजनेस में हम एक और टर्म सुनते हैं जिसको हम VNB कहते हैं, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस. तो ये वैल्यू किस चीज की है? हाँ, तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस यही है कि जो हमारा न्यू बिजनेस प्रीमियम आया उसका करंट मतलब उसमें कितना प्रॉफिट आपको एक्सपेक्टेड है. ओके, कंपनी जो कैलकुलेट करती है उस हिसाब से, और वो उसका करंट वैल्यू क्या है, ठीक है. ओके, तो वो हमारा वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है, फ्यूचर अर्निंग्स जो है उसका नेट वैल्यू, करंट वैल्यू, ठीक है. तो अभी जैसे अगर मार्च 2022 में मुझे यहाँ जो दिख रहा है वो न्यू बिजनेस प्रीमियम ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का था, उसमें से वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है वो 2675 करोड़ का. Okay. और उस हिसाब से ही VNB मार्जिन कैलकुलेट होता है. Okay. ठीक है ना, कि आपका मार्जिन जो है उस पर कितना है. राइट. Okay. तो वही वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस उसके ऊपर मार्जिन क्या है, और आपको देखना है कि आपका मार्जिन जो है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस
प्रीमियम का मार्जिन कैसे कैसे बढ़ रहा है okay. वो भी इंपॉर्टेंट है, और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो है वो कैसे बढ़ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है. ओके तो सर नेक्स्ट हमारे पास आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंस रेशियो. क्योंकि जितना भी कंपनी बिजनेस ला रही है अपने पास, वो कितने एक्सपेंस पर ला रही है, बिकॉज अल्टीमेटली वही उनके प्रॉफिट्स या उनके मार्जिन को हैम्पर करने वाला है. राइट तो अगेन मतलब सिंस इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ा पार्ट कमीशन बेस्ड रहता है, कमीशन एजेंट्स का रहता है, एजेंट्स का कमीशन रहता है, सबका कमीशन रहता है, ठीक है ना. तो अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो है, राइट, एम्प्लॉइज के, ऑफिस के, ये एक्सपेंसेस तो है इंश्योरेंस कंपनीज के. तो ये जो नंबर है, जो एक्सपेंस रेशियो नंबर है, ये आपको बताता है कि कंपनी जो है कितनी प्रून, मतलब कितने अच्छे से काम कर रही है, उसका ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो कितना है. जितना एक्सपेंस रेशियो कम है कंपनी का, उतना बेटर, उतना ऑब्वियसली उसके प्रॉफिट्स बेटर होंगे. राइट तो वो चीजें हैं. तो अभी अगर हम देखें तो दो टाइप के एक्सपेंस रेशियो होते हैं. एक ओपेक्स, मतलब अपना 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 खर्चा कंपनी का, ठीक है, जिसमें मैंने बताया जैसे ऑफिसेज की बिल्डिंग का खर्चा, उनके एम्प्लॉइज का खर्चा, राइट, जो भी चीजों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और कमीशन का खर्चा, मेन दो बड़े खर्चे जो है कंपनी के. ठीक है, तो इसीलिए ये ओपेक्स रेशियो और कमीशन रेशियो को प्लस करके जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है उसको टोटल कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो भी बोलते हैं, टोटल मैनेजमेंट रेशियो भी बोलते हैं. राइट, तो ये तीनों अलग अलग टर्म्स यूज करा जाता है. तो अभी जैसे हम एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ का, तो अराउंड 3.9% का उनका कमीशन रेशियो है. तो जितना भी डायरेक्ट प्रीमियम आ रहा है उनके पास, 3.9% तो वो कमीशन दे रहे हैं उस पर. ओके, राइट, 14.9% का उनका ओपेक्स रेशियो है. राइट, तो उतना उनका खर्चा है अपना, एम्प्लॉइज वगैरह सबका, ठीक है ना. तो टोटल कॉस्ट रेशियो, टोटल एक्सपेंस रेशियो अराउंड 18.8%. ओके, राइट, ऑफ कोर्स अब आप इसको कंपेयर करोगे बाकी कंपनीज के साथ, देन यू विल नो बेटर कि इसका अच्छा है बुरा है, वो सब चीजें हैं. ओके, ठीक है, तो 18.8% का उनका टोटल बेसिकली रेशियो वो एक्सपेंस है. ओके तो जैसे सर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि कंपनी जब भी एक्सपेंशन का प्लान कर रही है तो उनके एक्सपेंसेस भी उसी के हिसाब से बढ़ रहे हैं? हाँ, मतलब इट डिपेंड्स, इट काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. राइट, हाँ, ऑफ कोर्स अगर कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा किया तो वो ऑपेक्स में आ जाएगा एक तरह से. राइट, तो वो भी उसकी वजह से भी हो सकता है उनका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाए. राइट, और ये भी हो सकता है कि भाई उन्होंने खर्चा तो उनका उतना ही है, लेकिन इतना न्यू बिजनेस प्रीमियम नहीं आया. ओके, मतलब प्रीमियम जितना एक्सपेक्टेड था उनको उतना दे कुडंट अर्न, बट खर्चा ज्यादा लगने लगता है. हाँ, तो वो परसेंटेज है क्योंकि ना अल्टीमेटली. ओके, तो वो भी चीजें होती हैं. ठीक है, तो हमें ये देखना है. ऑब्वियसली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि मार्च क्वार्टर में क्या कहते हैं टैक्स सेविंग करनी होती है सबको. ट्रू, तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा जो लास्ट क्वार्टर होता है वो ही सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है. मतलब मेरे ख्याल से 35-40% का उनका पैसा जो कमाते हैं वो मार्च क्वार्टर में कमाते हैं, और फर्स्ट क्वार्टर मोस्टली सबसे वीक क्वार्टर होता है उनका. बहुत ही कम लोग जो है इस टाइम इंश्योरेंस का नया स्टार्ट सोचते हैं कि भैया नया लेता हूँ मैं इंश्योरेंस, नया सोचता हूँ. राइट, तो इसीलिए जून क्वार्टर मोस्टली सबसे स्लो क्वार्टर रहता है, इसलिए मोस्टली उसके एक्सपेंस रेशियो वगैरह ज्यादा दिखते हैं जून क्वार्टर में. राइट, अगर आप मार्च में जाओगे तो वो कम दिखेंगे. तो दिस इज द नॉर्मल साइकिल विच मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया गो थ्रू. ओके, तो सर जब हम एक्सपेंस रेशियो की बात अभी कर ही रहे हैं तो उससे जुड़ी हमारे पास ये भी टर्मिनोलॉजी आती है कि रिटर्न कितना आ रहा है उस एक्सपेंस को लेने के लिए. तो हमारे पास जो रिटर्न रेशियोज हैं, जिसमें हमारे पास इसमें आरओसीई तो नहीं रहता, आरओई या फिर ऑपरेटिंग रिटर्न टू एम्बेडेड वैल्यू रहता है, तो हम इन दोनों ही टर्मिनोलॉजी से क्या समझते हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए कैसे जरूरी है? तो बेसिकली आई थिंक आरओई तो बहुत ही नॉर्मल टर्म, हम बहुत ही हर जगह ही यूज होता है, राइट, शेयर होल्डर इक्विटी के बेसिस पे नेट इनकम जो आया है. राइट, तो मेरे को वो समझाने की जरूरत नहीं है, वो सिमिलर ही है और यहाँ पर काफी अच्छे से यूज होता है. दूसरा जो मेजरली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह जो ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू है, जैसे मैंने बोला वहाँ पे हम यूज करते हैं एंटरप्राइज वैल्यू, यहाँ पर हम एक तरह से एम्बेडेड वैल्यू यूज करते हैं, तो उसके ऊपर कितना पैसा कमाया कंपनी ने. okay. उनकी एम्बेडेड वैल्यू है, ठीक है, उस पर ऑपरेटिंग रिटर्न कितना है, तो इसीलिए वो आरओसी का यहाँ पर जो दूसरा टर्म जो रेशियो यूज होता है वो ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू है. राइट, तो वो यहाँ पर यूज होता है और उसी हिसाब से हमें कंपैरिजन करना चाहिए. हमें आरओसी ढूंढना नहीं चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज में. okay. कुछ मतलब ज्यादा होता है. पर सर ये दोनों ही रेशियोज अगर हम इनका पैटर्न देखें, मतलब ट्रेंड देखें फ्रॉम 17 टिल 22, देयर इज अ स्लाइट डिक्लाइन दैट वी सी एवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट वो डिक्लाइन क्यों है इन रेशियोज में? मेजरली बिकॉज ऑफ कोविड हैड अ बिग इंपैक्ट. आई थिंक मार्च 2021 से वो स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्लेम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, रिटर्न्स कम हो गए, नेगेटिव काफी सारी कंपनीज ने, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने तो एक्चुअली लॉस बुक किए हैं काफी सारे क्वार्टर्स में. राइट, सो दैट हैज बीन द मेजर इंपैक्ट
ठीक है, उसकी वजह से ओवरऑल जो है ये रेशियोज जो है वो डिक्लाइन पे दिखे हैं आपको लास्ट 2-3 साल में. Okay. Right? But hopefully things should improve from now on. Okay. तो सर जब हम अपनी बैंकिंग या NBFC companies को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम इम्पोर्टेंट रेशियोज भी देखते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेशियो आती है जिसका नाम है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कि अल्टीमेटली उन्होंने कितने क्लेम्स दिए. तो इससे हमारा मतलब क्या हम समझते हैं? तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से, मतलब आप इन्वेस्टर हैं तो यूज कर सकते हैं, बट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट. Okay. कि भाई मैं अगर क्लेम करता हूँ तो ये कंपनी कितना परसेंटेज चांसेस है कि क्लेम सेटल करती है. ओके. राइट. तो जैसे अभी यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे लाइफ का 99.6% का क्लेम रेट, मतलब उनको अगर 100 क्लेम्स मिले तो 99.6 क्लेम्स दे हैव अप्रूव्ड, ओनली 0.4 क्लेम परसेंट क्लेम्स रिजेक्टेड किए. ओके. ठीक है ना. तो अगेन एज अ इन्वेस्टर जो है वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, बट ऑफकोर्स मतलब आपकी कंपनी अच्छी है, मतलब अगर प्रॉफिट भी कमा रही है, सब कुछ अच्छा है और क्लेम सेटलमेंट भी हाई है, तो ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट इज वेरी गुड. राइट. बिकॉज जितना क्लेम सेटलमेंट हाई होगा तो उतने ज्यादा लोग भी आएंगे, जितने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे कि भाई अच्छा करते हैं क्लेम. True. तो वो चीजें भी हैं. तो दोनों चीजें इट्स गोज हैंड इन हैंड. ठीक है सर. नेक्स्ट हमारे पास रेशियो आती है विच इज सॉल्वेंसी रेशियो, बिकॉज कंपनी कैसे बिजनेस में है वेयर दे हैव टू गिव अवे मनी टू द पीपल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो सॉल्वेंसी रेशियो एक मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटीज द्वारा एक मैंडेटेड है कि उनको दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है. तो ये एक यही है कि आपने जितने भी बेसिकली आपके क्लेम्स हैं, राइट, जो भी आपने लाइफ इंश्योर करी है और एक साथ आपके पास सारे के सारे क्लेम्स आए, ठीक है, तो आपकी कंपनी की जो ओवरऑल करंट नेटवर्क है या करंट कैपिटल है वो उसको मैनेज कर सकती है या नहीं कर सकती, तो कितना परसेंटेज उसको मैनेज कर सकती है. राइट. तो इसका एक वैल्यू होता है कि आप को टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज माइनस डिप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला होता है ये कैलकुलेट करने का. राइट. तो ये मैंडेट से 150% से ऊपर होना चाहिए बाय IRDA. ठीक है. और आई थिंक इनका 178% है विच इज गुड. ठीक है. और ऑब्वियसली ये गिरा है बिकॉज ऑफ कोविड अभी थोड़ा, क्योंकि वो क्लेम्स इतने ज्यादा क्योंकि हाँ, क्लेम आए भी उनके पास. राइट. और उसकी वजह से वैल्यू कम हुई, मतलब नेट इनकम कम हुई है. राइट. बट आई होपफुली इट शुड इंप्रूव बिकॉज अगर आप देखें हिस्ट्री में तो 190-180 के प्लस रहा है मोस्टली. ट्रू. राइट. बट इट हैज डिक्रीज एंड फॉर एवरी कंपनी इट हैज डिक्रीज. बट अगर आप ये PSUs का देखोगे स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस साइड पे तो ये काफी कम भी दिखता है. ऑफ कोर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस है इन सब का तो ये 70%-80% है. तो विच मीन्स द कंपनी इज एट हाई रिस्क. सॉल्वेंसी रेशियो 150% से ऊपर होना ही चाहिए बाय मैंडेट. और जितना ज्यादा है मतलब उतनी सेफ है कंपनी और उनकी बैलेंस शीट उतनी स्ट्रॉन्ग. ओके. तो सर नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रेशियो है दैट इज पर्सिस्टेंसी रेशियो. पर्सिस्टेंस से हम क्या समझते हैं? पर्सिस्टेंसी एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि आप जो है अगर इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो कितने लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. पहली बार तो खरीद लिया लोगों ने, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम प्रीमियम दे दिया, सेकंड ईयर भी दिया क्या, थर्ड ईयर भी दिया क्या, फोर्थ भी दिया, तो रिपीट कस्टमर्स बनते हैं. तो रिन्यूअल रेट एक तरह से ही बताता है कि आपका रिन्यूअल रेट क्या है, आपने इंश्योरेंस जो बेटा उसको कितने लोग जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. राइट. तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है तो 88% का 13th मंथ परसिस्टेंसी, मतलब एक साल के बाद 88% लोगों ने स्टिल प्रीमियम किया, प्रीमियम दिया, 88% 12% लोग ड्रॉप हो गए. ओके. ठीक है. 54% 61st मंथ परसिस्टेंसी, मतलब सिर्फ 54% लोगों ने ही 5 साल के बाद रिन्यू किया. ओके. ठीक है. अभी 5 साल एक मॉडर्न फैक्टर है क्योंकि मोस्टली जो प्रीमियम्स का हेल्थ सॉरी लाइफ इंश्योरेंसेस हैं और जो टैक्स बचता है वो 5 साल तक उनको देना पड़ता है. ओके. 5 साल अगर आपने दिया प्रीमियम, ठीक है, या आपने कंटिन्यू किया तो फिर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. अगर आपने 5 साल तक नहीं किया तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता. तो जो भी वो सब कैलकुलेशन रहती है. राइट. तो काफी लोग 5 साल के बाद ड्रॉप कर जाते हैं कि भाई ठीक है टैक्स बेनिफिट मिल गया ना, अभी मैं दूसरी इंश्योरेंस खरीद लेता हूँ या कुछ और खरीद लेता हूँ. ओके. तो इसलिए वो 54% लोग ही रिन्यू कर रहे हैं आफ्टर 5 ईयर्स. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बाकी कंपनीज कैसा कर रही है वो भी इंपॉर्टेंट है. तो सर हमारे पास जब प्रोडक्ट मिक्स की हम बात करते हैं तो एक जो कंसिस्टेंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो यूनिट लिंक्ड प्लान्स हैं यानी कि जिसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों साथ में रहती हैं वो काफी कम होता जा रहा है. तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? मार्केट क्रैश. हाँ, जब कोविड का मार्केट क्रैश हुआ, राइट, तो यूनिट लिंक्ड मतलब कि आप मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं, यूलिप जैसा है, ठीक है, मतलब म्यूचुअल फंड की तरह मान के चलो आप उनको, ठीक है, कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया और उन्होंने वो पैसा स्टॉक मार्केट में डाला या फिर डेट में डाला जो भी. अब वो मार्केट क्रैश हुआ तो वो वैल्यू कम हो गई उनकी. exactly. तो जो इन्वेस्टर कर रहे हैं जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में डाल रहे हैं वो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार ये ऐसा भी हो सकता है. So they realize the vulnerability of this particular product. So easily even insurance companies were finding it hard and they were competing with mutual funds on it. So they were also finding it hard to sell. Okay. क्योंकि वो compete करना पड़ रहा है उनको mutual funds के साथ, which is very similar product.
ठीक है ना, तो इसीलिए नाउ द फोकस ऑफ काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैव लॉन्च मतलब हैज गॉन डाउन ऑन यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी द ड्रॉप एंड इट्स फॉर एवरीवन, ठीक है, एंड दे आर फोकसिंग मोर ऑन द नॉर्मल मनी बैक पॉलिसीज, ठीक है, जो पार है मतलब पार्टिसिपेटिंग है या नॉन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्लान है, okay. उसी पे नॉर्मल फोकस कर रहे हैं कि यार ये नॉर्मल पॉलिसीज है, इस पे ज्यादा मतलब लोग जो है इस पे कॉम्पिटिशन भी कम है हमारा हमारे, ठीक है, और लोगों को समझ भी इजिली आ जाता है, ठीक है ना, तो इसीलिए द शेयर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, बाकी प्रोटेक्शन और एन्युइटी बिजनेस जो है वो कंसिस्टेंटली कंपनी जो है ठीक ठाक कर रही है, ठीक है, और वो 7-8% का है, होपफुली दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस आई थिंक, ये इसमें मार्जिन भी ज्यादा होते हैं प्रोटेक्शन और एन्युइटी बिजनेस में, और आई एम होपफुल के दिस बिजनेस शुड इंक्रीज, द कंपनी विच हैज हाई प्रोटेक्शन एंड एन्युइटी बिजनेस आई थिंक दे आर वेरी गुड कंपनीज. Okay, so मतलब changing times के साथ company is actually changing their क्या कहते हैं portfolios as well to क्या कहते हैं suit the needs of them as well as the customers. ठीक है, तो next हमारे पास sir last में important factor जो रहता है analysis करते हैं that is valuation. तो PE कितना important रहता है या नहीं, क्योंकि बाकी companies के लिए it has a different parameter. This is a purely money based product. तो इसमें I think market cap to embedded value ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. बिल्कुल, मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू जो है इन शॉर्ट, बाकी पीई इज आल्सो फाइन, ऐसा नहीं है कि पीई हम देख नहीं सकते, राइट, बट मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू जो है वो एक ज्यादा मतलब हमें फोकस उस पर ज्यादा करना चाहिए, राइट, एंड वो एक वैल्यूएशन का काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है एक इंश्योरेंस कंपनीज का जब हम एनालिसिस करते हैं, राइट, तो हायर द ऑब्वियसली जितना ज्यादा है मतलब उतनी ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी है, जितना कम है, और HDFC लाइफ बीइंग HDFC नेम they always command premium, तो अगर आप PE भी देखोगे या P/EV भी देखोगे तो it will always be higher. Okay. Then अगर हम SBI Life से compare करें या ICICI Pru Life से compare करें, तो जो main दो life insurance company या LIC से compare करें, तो वो हमेशा ज़्यादा ही होता है, because the expectation of growth and the governance standard and everything HDFC Life से लोग बहुत ज़्यादा expect करते हैं, and that's why they always give premium to the group as a HDFC. तो करंटली अभी HDFC Life है वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे कंपेयर्ड टू इट्स पीयर्स, ऑफ कोर्स, एंड इट विल ऑलवेज बी, बट दैट इट हैज ऑलवेज बीन, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर, बट इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट HDFC Life एनालाइजिंग द इंश्योरेंस कंपनी, एंड जिस तरीके से अभी हमने इंश्योरेंस कंपनी को एनालाइज किया है, इट्स नॉट ओनली HDFC Life, बट आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को अगर पिक करेंगे तो इतनी ही इजीली आप उनको भी एनालाइज करके अपने लिए एक बेटर इन्वेस्टिंग ऑप्शन या इन्वेस्टिंग स्टॉक चूज कर सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज इन्हांस हो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें. लास्टली अगेन गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मोदक कूपन कोड को यूज़ करें एंड अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का शुभारंभ आज से शुरू करें. थैंक यू सो मच.